Hello everyone, welcome to my class. Today we will discuss immunology as students requested me. So the language of the class will be Hindi as per request, right? So let's move to immunology. अगर हम इम्यूनोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली ये टू वर्ड से बना हुआ होता है. आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बना हुआ होता है किससे? दो वर्ड से, जिसको हम बोलते हैं इम्यून प्लस लॉजी. अब इम्यून मतलब क्या है? अगर हम इम्यून को डिफाइन करते हैं, इम्यून मतलब डिफेंस सिस्टम, राइट? डिफेंस मतलब क्या? जब बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, कोई भी सिस्टम या कोई भी सेल जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए रोल प्ले करते हैं, उसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम. क्लियर? अभी तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि अब हम बोलते हैं कि कोविड के केस में आपने सुना ही होगा कि जिसका इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो ठीक रहेगा, राइट? ही कैन ओवरकम दैट, हम ये बोलते हैं. तो इम्यूनिटी क्या है? मतलब जब बॉडी किस अपने सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी फॉरेन पार्टिकल से, तब हम उसको बोलते हैं क्या? इम्यून सेल्स और इम्यून सिस्टम, राइट? तो अगर हम बात करते हैं इम्यून सिस्टम की, बेसिकली इम्यून सिस्टम को आप कैसे डिफाइन करोगे? ये एक सिस्टम है जिस जो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं आवर बॉडी को. कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? फ्रॉम पैथोजेंस. किससे प्रोटेक्ट करते हैं? पैथोजेंस. अब पैथोजेंस क्या है? बहुतों को नहीं पता होगा पैथोजेंस क्या है. पैथोजेंस वो चीज है जो बाहर से हमारे बॉडी में घुसते हैं और जो हार्मफुल होते हैं. कोई भी, अगर मान लो कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स को पहले तो हम एंटीजन बोलते हैं, राइट? हम क्या बोलते हैं? एंटीजन. लेकिन अगर उस एंटीजन के पास पैथोजन और इन्फेक्शन करवाने की पॉसिबिलिटी है, तब हम उसको बोलते हैं पैथोजन. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग पैथोजेनेसिस, राइट? तो अगर हम इम्यून सिस्टम को, मैं एक बार फिर से डिफाइन करती हूँ, इम्यून सिस्टम को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो क्या है? ये एक डिफेंस सिस्टम है जिसमें क्या करते हैं, बॉडी अपने सेल्स को या अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम आउटसाइडर्स, राइट? उस आउटसाइडर्स को हम बोलते हैं एंटीजन. अगर उनमें इन्फेक्शन करने की या फिर डिजीज करने की कैपेबिलिटी हो, तब हम उसको बोलते हैं क्या? पैथोजन, राइट? और जो सेल्स हमें उन पैथोजन से बचाते हैं, राइट, उसको हम बोलते हैं इम्यून सेल्स, राइट? अगर मैं कुछ इम्यून सेल्स की बात करूं तो ये हो गया बी सेल्स, टी सेल्स, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स, मोनोसाइट्स, एनके सेल्स. ये क्या है? ये एक टाइप ऑफ इम्यून सेल्स है. हम पूरा देखेंगे ये कहां से कैसे प्रोड्यूस होता है, हाउ इट फाइट्स, राइट? एंड वन मोर थिंग, दिस अगर मैं आपको एक एनालॉजी के साथ, इस पूरे स्लाइड में जो लिखा है, अगर मैं आपको एक एनालॉजी के साथ कंपेयर करती हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, राइट? जैसे मान लो हमारी कंट्री में जब टेररिस्ट घुस आते हैं तो हमारे जो इंडियन आर्मी होते हैं वो क्या करते हैं? वो फाइट करते हैं अगेंस्ट टेररिस्ट, राइट? देखा होगा कितनी बार फायरिंग होती है, यस और नो? तो उसी तरह से क्या होता है, जैसे ही हमारे बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल्स घुस आते हैं तो हमारे इम्यून सेल्स भी उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं, राइट? अब यहाँ पे इंडिया में जो ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं उसको हम बोलते हैं, जो इस कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं इंडियन सोल्जर, राइट? उसी तरह से जो सेल्स हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं इम्यून सेल्स, राइट? यस. और ये हो गया आपका कुछ एग्जांपल्स ऑफ इम्यून सेल्स, राइट? अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, राइट? ओके, सो दिस स्लाइड्स बेसिकली डिस्क्राइब्स द ओरिजिन ऑफ इम्यून सेल्स. इम्यून सेल्स का प्रोडक्शन कैसे होता है, राइट? हमारे पास एक बहुत बहुत स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्या? स्टेम सेल्स. जिनको हम बोलते हैं स्टेम सेल्स, राइट? अब ये स्टेम सेल्स हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स, मतलब ये स्टेम सेल्स बोन मैरो में प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं हिमाटोपोएटिक. हिमाटो रिलेटेड टू ब्लड, राइट? तो ये ब्लड फॉर्मिंग सेल्स है. हिमाटो इज बेसिकली रिलेटेड टू ब्लड, आयरन, राइट? तो ये बेसिकली ब्लड फॉर्मिंग सेल्स है. जो भी बोलो आप, ये सेल्स क्या करते हैं, जो भी स्टेम सेल्स हैं वो बेसिकली डिवाइड होते हैं, और डिवाइड होने के बाद ये दो टाइप ऑफ सेल्स में बढ़ जाते हैं, राइट? एक टाइप को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दिट माइलॉइड सेल्स, क्लियर? और जो दूसरा पार्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल्स. हर एक सेल्स का रोल होता है बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए,
राइट, डिपेंड्स ऑन किस सिचुएशन में है। ये सारे जो सेल्स देख रहे हो पूरे हमारे इम्यूनिटी के लिए ही, इनका फंक्शन क्या है, हमें इम्यूनिटी, हमें हमारे इम्यून सिस्टम को या हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट रखना फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, राइट। तो ये सारे सेल्स क्या करते हैं, बॉडी के प्रोटेक्शन में काम आते हैं। क्लियर एवरीवन? तो अगर हम देखते हैं माइलॉइड सेल्स को, माइलॉइड सेल्स क्या है, माइलॉइड सेल्स फिर से आपके बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो गया है। अगर आप ध्यान से देखोगे माइलॉइड सेल्स से क्या फॉर्म होते हैं, आपके एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं आरबीसी, राइट। फिर मास्ट सेल्स भी होते हैं, जो क्या करते हैं, जो मास्ट सेल्स होते हैं बेसिकली उन सेल्स में क्या होता है, जो केमिकल्स होते हैं वो स्टोर होते हैं, और जब भी वो केमिकल्स की जरूरत होती है वो रिलीज करते हैं, जो कि आपके इन्फ्लेमेशन हो या स्वेलिंग हो बॉडी में करवाते हैं, वो हम आगे देखेंगे, राइट। तो आपको फिलहाल ये जानना है जो हमारे इम्यून सेल्स है वो फॉर्म होता है किससे, हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स। अब स्टेम सेल्स क्या है, ये एक टाइप ऑफ सेल्स है जिनके पास डिवीजन का कैपेसिटी है, जो हर जो एक, मतलब मान लो ये कोई एक टाइप ऑफ सेल है, राइट, एक सेल है, ये डिवाइड होके क्या करेंगे, अलग अलग सेल्स फॉर्म करते हैं। ये अलग सेल्स हो गया, ये सेल नंबर वन, ये सेल नंबर टू, तो ये कहां से फॉर्म हुआ, इस सेल से, तो हम इसको बोलते हैं क्या, स्टेम सेल्स। टोटिपोटेंट सेल, टोटिपोटेंट मीन क्या, इनके पास पोटेंशी है डिवाइड होने की, और ये डिवाइड होने के बाद अलग अलग सेल्स फॉर्म करते हैं। क्लियर एवरीवन? हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स, राइट। तो ये जब डिवाइड हो जाएंगे तो हमें दो तरह के सेल्स मिलते हैं, हमें मिलते हैं कितने तरह के, दो तरह के सेल्स मिलते हैं। कौन कौन से हैं, वो है आपका माइलॉइड सेल्स एंड लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स, राइट। अगर हम माइलॉइड सेल्स की बात करते हैं, वो फर्दर डिवाइड होते हैं आपके तीन टाइप ऑफ सेल्स में, राइट। तीन टाइप ऑफ सेल्स क्या क्या है, एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स को हम क्या बोलते हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। फिर आपका आता है मास्ट सेल्स, फिर आपका क्या आता है, माइलोब्लास्ट सेल्स। माइलोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं आपके, ये जो माइलोब्लास्ट सेल्स होते हैं, ये फिर से डिवाइड होते हैं आपके बहुत सारे सेल्स में, राइट। वो सेल्स क्या क्या है आपका, बेसोफिल्स, राइट, न्यूट्रोफिल्स, योसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या होता है, मैच्योर होके क्या फॉर्म करते हैं, वो फॉर्म करते हैं मैक्रोफेजेस, राइट। सो अगर हम बात करते हैं जो आपका हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स है, वो डिवाइड होके आपके दो तरह के सेल्स फॉर्म करते हैं, माइलॉइड सेल्स एंड लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स, राइट। माइलॉइड सेल्स की अगर हम बात करते हैं, वो डिवाइड होते हैं आपके आरबीसी, मास्ट सेल्स एंड माइलोब्लास्ट सेल्स में, राइट। जो माइलोब्लास्ट सेल्स है, ब्लास्ट, जैसे ही आपको ये सफिक्स मिलेगा ब्लास्ट, मतलब इनके पास कुछ और सेल्स फॉर्म करने की कैपेसिटी है, तब हम उसको बोलते हैं ब्लास्ट सेल्स, मतलब इससे कुछ और फॉर्म हो सकते हैं, राइट। अब जब ये माइलोब्लास्ट सेल्स डिवाइड होते हैं, ये आपके डिवाइड होते हैं किसमें, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स। मोनोसाइट सेल्स क्या करते हैं, जब भी ये मैच्योर होते हैं, मैच्योर होने के बाद ये मैक्रोफेज में चेंज हो जाते हैं। क्लियर एवरीवन? अगर हम लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स के बारे में बात करते हैं, तो जो लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स है वो आपके बेसिकली दो तरह के सेल्स में डिवाइडेड है। आप देख सकते हो एनके सेल्स, इनको हम बोलते हैं नेचुरल किलर सेल्स, राइट। इनके फंक्शंस, डिस्क्रिप्शंस, एवरीथिंग हम अपकमिंग क्लासेस में डिस्कस करेंगे। और जो लिम्फोसाइट सेल्स है वो बेसिकली दो तरह के हैं, क्या क्या है, बी सेल्स एंड टी सेल्स, राइट। आज हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ बी सेल्स के बारे में, क्या है बी लिम्फोसाइट्स, राइट। सो लेट्स मूव टू बी सेल्स। अगर हम बी सेल्स के बारे में बात करते हैं, तो बेसिकली इनका फुल फॉर्म क्या है, बी लिम्फोसाइट्स, राइट। अब इनको बी सेल्स क्यों बोलते हैं, राइट, इनको बी सेल्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनका प्रोडक्शन, सिंथेसिस और मैच्योरेशन कहाँ होता है आपका, इनका सिंथेसिस और मैच्योरेशन होता है आपका बोन मैरो में, राइट। तो हम इसको बोलते हैं क्या, बी सेल्स। क्लियर? अब क्या होता है, इनके सरफेस पे अगर मैं इनको ड्रॉ करूं, यहाँ पे इनके सरफेस में क्या होता है, कुछ आपका एंटीबॉडीज होते हैं इस तरफ के, वाई शेप की तरह कुछ एंटीबॉडीज होते हैं, और इस एंटीबॉडीज को हम क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं आईजीएम और दूसरे को बोलते हैं क्या, आईजीडी, एमडी, राइट। ये जो दो टाइप ऑफ एंटीबॉडीज है वो आपके प्रेजेंट होता है किस
किसमें? बी सेल के सरफेस में, उनको हम बोलते हैं IgM और IgD, राइट। अब जो एंटीबॉडीज सेक्रीट करते हैं, जो भी एंटीबॉडीज, ये जो IgM IgD है, ये भी तो कहीं से फॉर्म हो गया है, फॉर्म हो रहा है ना। तो जो भी सेल्स इन IgM इम्यूनोग्लोबुलिंस, जिसको हम इम्यूनोग्लोबुलिंस या एंटीबॉडी बोलते हैं, जो भी सेल्स इनको फॉर्म करते हैं उनको हम बोलते हैं क्या? प्लाज्मा सेल्स, राइट। सरफेस मार्कर की बात करते हैं। जैसे मान लो अगर आप कोई ऑफिस में जॉब कर रहे हो तो आपको एक कार्ड देते हैं। आप देख लो, इंडिया में हर किसी इंडियंस के पास एक वोटर आईडी कार्ड है। वो क्या है? बेसिकली वो एक आइडेंटिफिकेशन मार्क है, राइट। वो क्या है? आपका आइडेंटिफिकेशन कार्ड। आप किसी भी बैंक में जा लो या कोई भी अकाउंट खोलो तो आपको पहले सबसे पहले आपके आइडेंटिफिकेशन प्रूफ मांगते हैं, राइट। उसी तरह से हमारे बॉडी सेल्स में भी कुछ आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ मार्कर्स होते हैं उनके सेल में, राइट। अगर हम बी सेल की बात कर रहे हैं, जो भी मार्कर बी सेल के ऊपर है उनको हम बोलते हैं क्या? CD19। अब CD क्या है? C स्टैंड्स फॉर क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। तो ये जो होता है बेसिकली CD19, ये आपका बी सेल का सेल सरफेस मार्कर होता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम CD19 को छोड़ के बी सेल के पास और भी बहुत सारे मार्कर्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिनका अलग अलग रोल होता है, राइट। अगर हम देखते हैं इनके पास और क्या है, CD20 है, CD21 है, CD22 है, CD79 alpha, CD79 beta, CD80 एंड CD B7। ये है आपका इनके पास दूसरे टाइप ऑफ CD receptors, राइट। अब यहाँ से ये जो CD आप देख रहे हो, 20, 21, 22, 79, alpha, beta, इनका हर एक का अलग अलग रोल होता है, जो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। क्लियर हुआ यहाँ तक? इस लाइन में बेसिकली हमने क्या बोला है, जो आपका बी सेल्स है उनका ये इनका प्रोडक्शन कहाँ होता है? बेसिकली प्रोडक्शन एंड सिंथेसिस होता है आपका बोन मैरो में, इसीलिए हम इनको बोलते हैं बी सेल्स। ये जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन होते हैं, उनका एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कहाँ होता है? प्लाज्मा सेल्स से एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। और जो भी एंटीबॉडीज बी सेल के सर्फेस में मिलता है उसको हम बोलते हैं क्या? IgM IgD, राइट। अब जैसे हर इंडियन के पास एक वोटर आईडी कार्ड होता है फॉर आइडेंटिफिकेशन, तो उसी तरह से बी सेल्स को भी अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ मार्कर्स उनमें भी प्रेजेंट होता है, राइट। और वो मार्कर को हम क्या बोलते हैं? CD19, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन CD19, राइट। और अपार्ट फ्रॉम दिस CD19, उनके पास और भी बहुत सारे CDs है, जैसे CD20, CD21, CD79 alpha, CD79 beta, CD80, CD B7, CD40, राइट। अब हम देखेंगे इनके फंक्शंस क्या क्या है। यस, तो अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ बी सेल्स, बी सेल्स का बेसिकली क्या काम है इनका, तो हम आप देख सकते हो बी सेल्स के प्रॉपर्टी में, बी सेल्स का प्रॉपर्टी क्या है। अब मान लो ये एक कोई बी सेल्स है, मान लो ये एक बी सेल है, राइट। तो जब भी ये डिवाइड होते हैं, ये टू टाइप्स ऑफ सेल्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है आपका प्लाज्मा सेल्स, एक होता है आपका मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं? जो भी बैक्टीरिया हो या वायरस हो हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, वो क्या करते हैं? उस बैक्टीरिया या वायरस से फाइट करते हैं। कैसे फाइट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज, राइट, जो कि अपने फॉरेन एंटीजन के साथ बाइंड करते हैं। अगर हम एंटीबॉडीज के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली एंटीबॉडीज आपके 5 टाइप के होते हैं, IgA, IgM, IgG, IgE एंड IgD। तो ये हो गया आपके 5 तरह के एंटीबॉडी जो कि हमें प्रोटेक्ट करवाते हैं अलग अलग पैथोजेन से, राइट। और ये जो मेमोरी सेल्स है, बेसिकली ये मेमोरी सेल्स कहाँ काम आते हैं? फ्यूचर पर्पस में। मतलब अभी जैसे कि आपको मान लो कोविड आया, कोविड वायरस का फर्स्ट टाइम एक्सपोजर था, तो बॉडी का इम्यूनिटी क्या हो गया? बॉडी पहले किसी भी इंसान को कोविड से एक्सपोजर नहीं हुआ था, तो सबके पास फर्स्ट टाइम एक्सपोजर है, राइट। तो क्या होगा? प्लाज्मा सेल्स एक्टिव हो जाएंगे, साथ साथ में मेमोरी सेल्स भी एक्टिव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर सेकेंड टाइम वो इंसान फिर से कोविड से एक्सपोजर में आते हैं, कोविड के एक्सपोजर में आते हैं, तो क्या करेंगे? मेमोरी सेल्स ही विल रिमाइंड कि हाँ, हमें ये इन्फेक्शन पहले भी मिल चुका है, राइट। तो वो क्या करेंगे? बिल्कुल सेल्स को खत्म कर देंगे, कोविड को, मतलब वायरल सेल्स को,
वायरल प्रोटीन या वायरल आरएनए को, राइट। तो ये हो गया आपका क्या, बी सेल। तो बी सेल डिवाइड होते हैं प्लाज्मा और मेमोरी सेल्स में। जो प्लाज्मा सेल्स है वो क्या है आपका, एंटीबॉडी फॉर्मिंग सेल्स है, जो कि आपका 5 टाइप ऑफ एंटीबॉडीज फॉर्म करते हैं, IgA, IgM, IgG, IgE, IgD, राइट। और ये मेमोरी सेल्स भी फॉर्म करती है, तो पता ही एंटीबॉडी सिक्रेटिंग सेल्स, राइट। MHC2 ऑन सरफेस, यस, इसका मैं आपको बहुत अच्छे से एक डायग्राम बना के दिखाऊंगी MHC2 क्या है, राइट। मैं ये बताऊंगी आफ्टर दिस स्लाइड, आई विल इन्फॉर्म यू, राइट। दूसरा क्या है, एक्टिस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, इनका दूसरा काम क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की तरह भी काम करते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये बेसिकली कैसे होता है। मान लो, आप ध्यान देना, मान लो ये मैंने एक बी सेल ड्रॉ किया है, ये क्या है आपका बी सेल, राइट। तो जब भी क्या होगा, मान लो, जस्ट अ सेकंड, मान लो आपका क्या, ये हो गया आपका बैक्टीरिया, ये कोई भी पैथोजेंस हो गया, कोई भी आपका पैथोजेन हो गया, राइट। तो ये पैथोजेन जैसे ही हमारे बॉडी में घुसा, तो हमारे बी सेल के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, बी सेल्स के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि मान लो ये एक रिसेप्टर्स है, राइट। तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, ये जो पैथोजन है, ये पैथोजन आके बी सेल रिसेप्टर से बाइंड करता है, क्या है, बी सेल रिसेप्टर, राइट। अब ये जो बी सेल रिसेप्टर है, ये किससे बना होता है, आपको मैंने अभी क्या बताया थोड़ी देर पहले, कि इनके पास IgM, IgD होता है, जो कि आपका एंटीबॉडीज है, राइट। जो बी सेल रिसेप्टर है, ये आपके फॉर्म होते हैं IgM से बनता है, प्लस 79 अल्फा प्लस 79 बीटा। इस 79 अल्फा और 79 बीटा को हम क्या बोलते हैं, IgM प्लस IgA अल्फा प्लस IgB, इनमें से कोई भी आप बोल लो, राइट। तो जो बी सेल रिसेप्टर होते हैं, वो जो ये जो रिसेप्टर है आपका, ये बना होता है किससे, ये बनता है आपका किससे, ये बनता है आपका IgM प्लस Ig अल्फा प्लस Ig बीटा, राइट, जिसको हम बोलते हैं बी सेल रिसेप्टर। समझ आया फंक्शन क्या है, राइट। ये सबसे पहली बात, जैसे ही ये पैथोजन, मान लो ये हो गया आपका पैथोजन, राइट, ये हो गया आपका पैथोजन। अब बात ये है, IgM जब प्रेजेंट होता है, वो अकेले भी तो बाइंड कर सकते हैं, राइट। तो उनमें 79 अल्फा 79 बीटा की क्यों क्यों जरूरत है, क्योंकि IgM खुद एक रिसेप्टर की तरह यहाँ काम कर रहा है, तो यहाँ पे 79 अल्फा 79 बीटा की क्या जरूरत है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही ये जो रिसेप्टर होता है पैथोजन रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, तो जो वो सिग्नल फॉर्म होता है, वो सिग्नल ये IgM इनसाइड की बॉडी में कि पैथोजन आ गया है, तुम अपना रिस्पॉन्स, किलिंग का रिस्पॉन्स एक्टिवेट रखो, राइट। तो वो खुद IgM नहीं दे सकते हैं, तो बेसिकली जो सिग्नलिंग, जो ये जैसे ही ये बाइंड करेगा बैक्टीरिया रिसेप्टर के साथ, तो ये क्या करेगा, ये बाइंडिंग के तुरंत सेल को सिग्नल मिलता है कि कोई फॉरेन पार्टिकल है, हमें बिल्कुल फाइट होने के लिए रेडी होना है, राइट। तो ये फाइट होने के लिए रेडी कब होगा, जब उसको सिग्नल मिलेगा। अब अगर ये दोनों नहीं रहेगा, तो सेल को सिग्नल नहीं मिलेगा, राइट। तो जो सिग्नल का काम करते हैं, सिग्नल ट्रांसडक्शन का काम करते हैं, बेसिकली अल्फा बीटा, IgA अल्फा बीटा, ये दोनों क्या काम करते हैं, ये बेसिकली काम करते हैं आपका सिग्नल ट्रांसडक्शन में। मतलब क्या करते हैं, ये जैसे ये सिग्नल देते हैं कि हाँ भाई पैथोजन बाइंड हो चुका है, तुम लोग रेडी हो जाओ, राइट। तो ये सिग्नल ट्रांसडक्शन क्यों देता है, बाकी रिसेप्टर्स जो बी सेल के ऊपर जो रिसेप्टर है, वो सिग्नल ट्रांसडक्शन क्यों नहीं देता है, सिर्फ ये दोनों क्यों देते हैं, क्योंकि इनके पास एक सिक्वेंस है जिसको हम बोलते हैं आइटम बॉक्स, क्या है ये, इम्यूनो रिसेप्टर, इम्यूनो रिसेप्टर टायरोसिन, टायरोसिन बेस्ड एक्टिवेटेड मोटिफ, राइट, टायरोसिन बेस्ड एक्टिवेटेड मोटिफ। समझ आया, तो 79 अल्फा और 79 बीटा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे 79, अगर मैं यहाँ पे 79 अल्फा
79 बीटा की बात करूं तो ये किस में हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं आपका सिग्नल ट्रांसडक्शन में, ये हेल्प करते हैं किस में आपका सिग्नल ट्रांसडक्शन में, राइट। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ सीडी क्या है, फिर से आपने देखा होगा सीडी 80 प्रेजेंट है और सीडी क्या 40, इनका काम क्या है बेसिकली, ये को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल है। मैं समझाती हूँ ये क्या है को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल, राइट। मतलब मान लो ये बी सेल है, राइट, मान लो ये जो है आपका क्या है, ये आपका बी सेल है, राइट। तो क्या होगा, कोई भी जब बैक्टीरिया हो एंटर करेंगे तो बी सेल अपने रिसेप्टर में बाइंड करवाते हैं, राइट, और फिर ये सिग्नल देते हैं सेल को कि तुम इसको किल करो। तो ये जो बाइंडिंग होती है बेसिकली, ये जो बैक्टीरिया पैथोजन बाइंड होते हैं, ये बाइंड होने के बाद अंदर आते हैं, अंदर सेल क्या करते हैं, इनको प्रोसेस्ड करते हैं। प्रोसेस्ड मतलब इनको छोटे 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 पार्टिकल्स में बांट डिवाइड कर देते हैं, मतलब उनको मतलब बिल्कुल प्रोसेस्ड कर दे, खत्म कर देते हैं। अब क्या होते हैं MHC2, मैंने बोला था मैं आपको बोलती हूँ MHC2 क्या है, मेजर हिस्टियो कॉम्पैटिबिलिटी। ये बेसिकली प्रेजेंट होता है, ये एक काइंड ऑफ, अब मैं अगर इसमें डायग्राम से आपको दिखाऊं तो बेसिकली ये क्या है, ये यहाँ पे ये क्या करते हैं, जो भी ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स है इनको यहाँ पे लेके खड़े हो जाते हैं, राइट। क्यों खड़े हो जाते हैं, दूसरा जो इम्यून सेल्स आते हैं वो इनको रिकॉग्नाइज करते हैं भाई ये पैथोजन है और फिर इनको किल कर देते हैं पार्टिकल्स को। समझ आया क्या है, प्रोसेस क्या है। देखो ये मान लो बी सेल है, ये कोई बी सेल है, उनका जो सरफेस में रिसेप्टर है, ये सरफेस में रिसेप्टर है, राइट। तो इस रिसेप्टर में कोई भी पैथोजेंस हो वो आके बाइंड करेंगे, पहले बाइंड करने के बाद क्या करेंगे, वो कुछ केमिकल्स या कुछ पैथोजेंस को वो अंदर लेते हैं सेल के, और अंदर लेने के बाद उस पैथोजन को प्रोसेस्ड करते हैं। प्रोसेस्ड किस में करते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स में, राइट। और एक स्मॉल पार्ट, जैसे ये स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड होते हैं तो MHC आ जाते हैं। MHC क्या करते हैं, ये MHC1 हो, 2 हो, राइट, अलग अलग होता है, अलग अलग सेल में प्रेजेंट होता है। MHC1 प्रेजेंट होता है आपका न्यूक्लिएटेड सेल्स में, और MHC2 प्रेजेंट होता है आपका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या है हम सब देखेंगे, पहले आप इस बी सेल्स के फंक्शन को समझो, राइट। तो बी सेल्स में क्या होता है, कुछ रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं, ये सेल हो गया मान लो, उसमें कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे ही पैथोजन आते हैं वो रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और सेल के बी सेल के अंदर आते हैं। मान लो ये हो गया पैथोजेंस, ये इनसे बाइंड करने के बाद ये सेल के अंदर आते हैं, अंदर इनको छोटे 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 पार्टिकल्स में प्रोसेस्ड कर दिया जाते हैं, राइट। फिर ये क्या करते हैं, फिर एक और रिसेप्टर है जिसको हम बोलते हैं MHC1, वो क्या करते हैं, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को लेके बी सेल के सरफेस के ऊपर खड़े हो जाते हैं, ताकि जो है दूसरा सेल है जिसको हम बोलते हैं टी सेल्स को एक्टिवेट करवाते हैं। टी सेल्स दो तरह के होते हैं, टी हेल्पर सेल्स, टी सी सेल्स, वो हम बाद में देखेंगे, राइट। तो यहाँ से क्या होगा, टी सेल्स आके यहाँ से, सपोज ये टी सेल्स है तो ये टी सेल्स यहाँ से बाइंड करते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, टी सेल्स, राइट। सो बी सेल्स ने जो भी पैथोजन से बाइंड किया वो पैथोजन क्या हो गया, रिसेप्टर के थ्रू सेल के अंदर आता है, अंदर आने के बाद वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं, प्रोसेस्ड हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं, जो MHC है, MHC2, वो क्या करते हैं आपका उन पार्टिकल्स को लेके सेल के सरफेस के ऊपर खड़े हो जाते हैं, राइट। और जो भी टी सेल्स आते हैं वो टी सेल्स इनको किल करने के लिए इनके साथ बाइंड करते हैं, राइट। इस बाइंडिंग को स्ट्रॉन्ग कौन करते हैं, CD4 CD80, ये दो एक काइंड ऑफ क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन है, सरफेस मार्कर है, जो क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं बॉन्डिंग को। पहले जो बॉन्डिंग होती है वो थोड़ा सा नॉर्मल बॉन्डिंग होती है, फिर उस बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं CD80 CD40 और CD58 एंड CD54, इन दोनों को हम बोलते हैं एडहेसन मॉलिक्यूल, राइट। इनको हम बोलते हैं क्या, एडहेसन मॉलिक्यूल,
एम आई क्लियर टू एवरी वन? राइट, अभी हमने मैंने क्या क्या पढ़ा है, एक छोटा सा क्विक रिविजन में आपको समझा देती हूँ क्या हम लोगों ने पढ़ा। अगर मैं क्विक रिविजन की बात करती हूँ तो हमने क्या पढ़ा, पढ़ा जो बी सेल्स है बेसिकली ये कहाँ फॉर्म होते हैं, जो बी सेल्स होते हैं या आपका सिंथेसिस और इनका फॉर्मेशन और मैच्योरेशन, सिंथेसिस प्लस मैच्योरेशन इनका होता है आपका किस में, इनका होता है बोन मैरो में। राइट, फिर क्या होता है, इनका सिंथेसिस और मैच्योरेशन होता है आपका बोन मैरो में। राइट, इनके पास कुछ सरफेस में मार्कर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं, जो मेन मार्कर है वो है CD19। राइट, अपार्ट फ्रॉम CD19 कुछ अदर मार्कर्स भी हैं जैसे CD20, CD21, CD22, राइट, CD80, CD40 एंड CD B7, सबका अलग अलग रोल है। राइट, तो इनमें से जो है आपका CD20, CD21, CD22, फिर CD80, CD50, CD54। अगर मैं CD50 और 54 की बात करती हूँ तो बेसिकली ये दोनों क्या है, ये एडहेशन मॉलिक्यूल है। मतलब ये सेल, ये जो MHC1 सेल्स प्रेजेंट होते हैं ये सेल के मतलब बॉन्डिंग में हेल्प करते हैं, बोन फॉर्मेशन में। राइट, CD20, CD21 जो होते हैं आपका वो क्या है, वो रेगुलेटरी सेल्स है, रेगुलेटरी सेल्स आप बोल सकते हो। राइट, अब CD79 अल्फा, CD79 बीटा वो क्या करते हैं आपका, ये काम करते हैं एज क्या, सिग्नल ट्रांसडक्शन, सिग्नल ट्रांसडक्शन। राइट, और यहाँ पे जो CD80 है और CD B7 या CD40 है ये किससे कैसे काम करते हैं आपके, ये काम करते हैं आपके को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल की तरह, को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं। राइट, यहां तक क्लियर हुआ, यस और नो? हम पूरा देखेंगे ध्यान से, सिर्फ आपको पी सेल्स में इतना ध्यान रखना है। और एक बात क्या ध्यान रखना है, अगर मान लो ये कोई भी बी सेल है, मान लो ये कोई भी बी सेल है, राइट, तो ये जो बी सेल है वो डिवाइड होके टू टाइप्स ऑफ सेल्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है आपका मेमोरी सेल और दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा होता है आपका प्लाज्मा सेल्स। राइट, प्लाज्मा सेल क्या करते हैं आपका, प्लाज्मा सेल ये आपका फॉर्म करते हैं अलग अलग क्या, एंटीबॉडीज, फॉर्म एंटीबॉडीज। राइट, ये एंटीबॉडीज 5 तरह के होते हैं जैसे IgA, IgG, IgM, IgE एंड IgD। राइट, और ये जो मेमोरी सेल्स है ये आपका फ्यूचर पर्पस के लिए यूज होता है। राइट, मैं एक और आपको डायग्राम दिखाती हूँ, जैसे मान लो ये हो गया बी सेल, इनके सरफेस में रिसेप्टर्स होते हैं IgM, IgD, राइट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, मान लो यहाँ पे है आपका CD19, CD20, 21, फिर यहाँ पे है आपका CD क्या है, यहाँ पे है आपका CD40, CD80 या फिर B7, राइट, यहाँ पे है आपका, यहाँ पे है आपका सपोज 79 अल्फा, 79 बीटा, राइट, और यहाँ पे हो गया आपका क्या, हो गया आपका यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो गया आपका CD आपका 54
और सीडी हो गया 58। ये हो गया क्या एडहेशन मॉलिक्यूल, राइट। ये हो गया आपका स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल, राइट। और ये जो हो गया, मान लो ये है IgM, ये बनाते हैं क्या बी सेल रिसेप्टर, राइट, जो क्या काम करते हैं पैथोजन को मारने में हेल्प करता, पैथोजन के बोनिंग में हेल्प करता है। और ये 79-70 बीटा जो है ये बेसिकली हेल्प करता है आपका सिग्नल ट्रांसडक्शन, राइट। अब क्या होता है, कोई भी मान लो यहाँ पे कोई पैथोजेंस है, राइट। ये पैथोजेंस क्या करते हैं, ये पैथोजेंस बेसिकली यहाँ आके बाइंड करते हैं रिसेप्टर में। बाइंड करने के बाद ये अंदर जाते हैं, ये मान लो ये बड़ा बड़ा साइज का पैथोजेंस है, राइट। ये हो गया आपका कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो गया, राइट। ये क्या करेंगे, कोई भी एक फॉरेन पार्टिकल यहाँ बाइंड करेंगे, करने के बाद ये सेल के अंदर आके छोटे 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 पार्ट में प्रोसेस्ड हो जाते हैं। फिर इन्हीं सेल्स के ऊपर आपका है क्या, आपका है MHC2, क्या है MHC, क्या है MHC1 और 2, MHC2 है, राइट। तो ये क्या करते हैं, ये जो छोटा छोटा पार्टिकल्स है ये यहाँ पे आके सरफेस में खड़े हो जाते हैं, ताकि जो टी सेल्स हैं वो इनको रिकॉग्नाइज कर सके और इनको अपना फर्दर किलिंग कर सकते, राइट। होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे टी सेल्स के बारे में, राइट। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब, बिकॉज दिस मोटिवेट अस कि हम और वीडियो लाएं, दिस मोटिवेट अस टू ब्रिंग मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस, राइट। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।